तो नाजरन आप जरा इस तस्वीर को देखें, दुनिया भर के नौजवान इस तस्वीर वाले शख्स के दीवाने हैं। तो नाजरन क्या आप जानते हैं कि ये तस्वीर वाला शख्स कौन है? तो नाजरन ये शख्स मशहूर ज़माना एक इनकलाबी लीडर चे गुवारा है, जिन्हें दुनिया भर के नौजवान इनकलाब की अलामत मानते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में इन्हें दहशत गर्द और फहाशी पसंद माना जाता है। तो नाजरन इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्यूबा के अंदर इनकलाब लाने में चे गुवेरा ने क्या किरदार अदा किया। तो नाजरन 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के इलाके रोजारियो में गुवेरा घराने के अंदर एक बच्चे ने आंख खोली, जिनके वालदैन ने उसे ओरेस्टो गुवेरा का नाम दिया। अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और ओरेस्टो गुवेरा को दोस्तों बचपन ही से एस्तमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके वालदैन ने स्कूल के बजाय उन्हें घर में ही तालीम देने का फैसला किया। और ओरेस्टो फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, इसके अलावा दोस्तों साइकिल को कई कई किलोमीटर तक चलाते थे और शतरंज उनका महबूबी खेल था। दोस्तों पेशे के लिहाज से ओरेस्टो गुवेरा डॉक्टर थे, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी घर के अंदर मौजूद उनकी खानदानी लाइब्रेरी थी और ओरेस्टो लाइब्रेरी में घंटों सरफ करते और वो शायरी के किताबों के भी शौकीन थे। लेकिन साथ साथ ही जदीद कम्युनिज्म के बानी कार्ल मार्क्स की किताबें भी पढ़ते थे। दोस्तों जल्द ही कम्युनिज्म ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। दोस्तों ये वो दौर था जब दुनिया दो वाज़ह निजामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया जैसे मुल्क थे जो सरमायादारों के तहफ्फुज़ और सरमायादारों के मफादात के अंदर सबसे आगे थे, और दूसरी तरफ कम्युनिज्म यानी गरीबों के सरमायादारी का निज़ाम था, जिसको सोवियत रूम और चीन सपोर्ट कर रहे थे, यानी सोवियत रूम और चीन कम्युनिज्म के सरखेज थे। इसके साथ साथ दोस्तों ओरेस्टो गुवेरा ने अपने मुल्क और हमसाय मुल्क का सफर भी किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिज्म एहतजाजों में हिस्सा भी लिया। इसी सफर के दौरान उन्होंने गरीबों की हालतें जर देखकर उनके दिल में सरमायादारों की नफरत और बढ़ गई। ओरेस्टो कम उम्र में ही इनकलाबी ग्रुप में दाखिल हो चुके थे, लेकिन चे की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने क्यूबा के रहनुमा अफिदेल कास्ट्रो से मुलाकात की, और पहले ही मुलाकात के अंदर दोनों एक दूसरे के मद्दाह बन गए। अफिदेल कास्ट्रो ने बेहतरीन दोस्त होने का एजाज चे गुवेरा के नाम कर दिया, यानी कि ओरेस्टो गुवेरा के नाम कर दिया, और उनको चे का नाम दिया, जिसका मतलब इंग्लिश के अंदर है यू है। यू अर्जेंटाइन के ओरेस्टो गुवेरा क्यूबा के चे गुवेरा बन गए। दोस्तों कास्ट्रो भी क्यूबा में इंकलाब लाना चाहते थे, उन्हें इसके लिए चे से बेहतर कोई साथी नहीं मिल सकता था। दोस्तों क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए मैक्सिको में पनाह ले रखी थी चे गुवेरा और अफिदेल कास्ट्रो ने, लेकिन चंद दिनों बाद ही मैक्सिको की हुकूमत ने चे गुवेरा और अफिदेल कास्ट्रो को गिरफ्तार कर लिया और इनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैक्सिको की हुकूमत ने अफिदेल कास्ट्रो को रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन अफिदेल कास्ट्रो ने रिहा होने से मना इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर रिहा हम होंगे तो इकट्ठे होंगे, वगरना मैं अकेला नहीं जाऊँगा। लेकिन चे गुवेरा ने अफिदेल कास्ट्रो को ये कहा कि तुम जाओ और जाकर कम्युनिज्म की तहरीक चलाओ, इसके बाद मैं आ जाऊंगा। लेकिन अफिदेल कास्ट्रो ने यह जवाब दिया कि मैं तुमको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इस वाक्य के बाद दोनों नौजवानों की दोस्ती और भी पक्की हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैक्सिको ने दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। दोनों मैक्सिको से क्यूबा आ गए, और आते ही इन्होंने 1000 जंगजुओं का लश्कर तश्कील दिया, जिनको इन्होंने जंगी ट्रेनिंग भी दे डाली। दोस्तों 1978 में कास्ट्रो और चे गुवेरा की क्यादत में हजारों जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर 1958 में चे गुवेरा ने क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर कब्जा कर लिया। क्यूबा के सदर बतिस्ता भी बमुश्किल जान बचाकर एक त्यारे में मुल्क से फरार हो गए। यूं क्यूबा पर कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। क्यूबा का इनकलाब अपने दौर का एक बहुत बड़ा वाकया था। यूएसए जो क्यूबा के इंतहाई करीब था, वहां कम्युनिज्म ने तमाम मगरबी ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मगर दोस्तों यहाँ अफिदेल कास्ट्रो और चे गुवेरा की दोस्ती के दरमियान एक अहम दरार पड़ गई। कास्ट्रो इनकलाब का क्रेडिट खुद लेना चाहता था, चनाचा उन्होंने चे गुवेरा को दारुल हुकूमत में दाखिल होने से मना कर दिया और खुद फातह के सिलसिले से शहर के अंदर सबसे पहले दाखिल हो गए। कास्ट्रो ने क्यूबा की हुकूमत खुद संभाली, मगर वो चे गुवेरा को उनकी वफादारी का इनाम देने से भी ना भूले, और उनको उनकी वफादारी का इनाम यह दिया कि इनकलाब के बाद चे गुवेरा को क्यूबा की शहरियत देकर उनको खजाना और इंडस्ट्री का इंचार्ज बना दिया। अब चे गुवेरा एक अहम सरकारी ओहदेदार और एक लीडर थे। इस हैसियत के बावजूद चे गुवेरा ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया और वो एक आम शहरी की तरह अपने बीवी बच्चे के साथ क्यूबा में ही रहने लगे, और इसके बावजूद भी वो आम मुसाफिरों की तरह सफर करते और आम मजदूरों की तरह काम करते। लेकिन दोस्तों इसके बाद